यूपीएससी सिविल सर्विसेज की सामान्य श्रेणी में टॉप करने वाली पहली निशक्त महिला आई एस ईरा सिंघल ने एक फेसबुक पोस्ट में समाज की उदासीनता को लेकर सवाल खड़े किए हैं या फिर कहें कि उन लोगों की संवेदनाओं को झंझोरा है जिन लोगों ने अपनी संवेदनाओं को अपने शकून अपनी मुसीबतों से बचने के रास्ते में भूल गए हैं दरअसल उन्होंने फेसबुक पर एक दुर्घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो मसूरी से दिल्ली आ रही थी रास्ते में एक कार एक्सीडेंट देखा उन्होंने जिसमें एक ड्राइवर और एक युवक था ईरा अपनी गाड़ी रोकती हैं मदद करती हैं उन लोगों को बाहर निकालती हैं लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एक भी गाड़ी नज़र नहीं आती जिस गाड़ी को ईरा रुकवाती हैं वो गाड़ी रुकती तो है जानकारी लेती है और आगे बढ़ जाती है इन संवेदनहीनता पर ईरा ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है क्या हम ऐसा ही भारत की कल्पना करते हैं या हम ऐसे ही इंसानियत की कल्पना करते हैं कि हमें अगर दुख में किसी की साथ की ज़रूरत हो तो वो इतना संवेदनहीन हो चुका होता है कि वो मदद करने को तैयार नहीं इन सब के पीछे क्या भागती दौड़ती ज़िंदगी और स्वार्थ है या फिर वाकई इंसानियत भी कोई चीज़ है